Hey, hi everyone, Tushar Pad this side and welcome to the channel of Logical Guruji. Sir, आज 27th August है और आज से दो दिन पहले दैट इज 25 अगस्त 2017 को सी एस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल का रिजल्ट आया था. तो सबसे पहले तो मैं उनको बधाई दे देता हूँ जो सर एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल के अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स को पास करे. मतलब हो सकता है कई लोगों ने सर एग्जीक्यूटिव पास नहीं किया लेकिन एक ग्रुप दिया था वो पास हो गए, या दो ग्रुप दिया था कोई एक पास हो गए, या फिर प्रोफेशनल में सर ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने सर तीन ग्रुप दिए थे, दो पास हो गए एक पास हुए. मतलब आपका सर जो पाथ है वो सही चल रहा है. ठीक है, आप अभी सीएस बने हो या नहीं बने हो डजंट मैटर, बट आप अपने रास्ते पर हो और आप पास हुए हो. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो और बहुत 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 खुशी हुई मुझे इस बात को सुनने के बाद कि आप में से कई लोगों का रिजल्ट अच्छा आया और मुझे कई सारे मैसेज भी आए. बट सर ये बच्चे बहुत कम है जो पास हुए. ठीक है, तो मैं अब उनको बाजू रखता हूँ सर, उनकी बधाई खत्म और उनका टॉपिक खत्म. अब सर ये पूरा वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका सर एग्ज़ाम नहीं निकला, जो भी आप एग्ज़ाम दिए थे, और खास करके सर मेरा मेन एरिया सी एस एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन वालों का है, क्योंकि सर मैंने कुछ दिनों पहले कुछ एक वीडियो रिकॉर्ड किया था ग्रुप टू की प्लानिंग को लेकर. तो सर जिनका भी ग्रुप टू पास नहीं हुआ है वो तो सर ग्रुप टू की प्लानिंग के लिए वही वाला वीडियो वापस से मेरे यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिएगा. ठीक है, लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नीचे में उसकी लिंक दे दूंगा ग्रुप टू की प्लानिंग स्ट्रेटेजी को लेकर. और मैंने उस दिन बोला था कि सर मैं रिजल्ट के वेट कर रहा हूँ, 25 अगस्त को रिजल्ट आने के बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रुप वन, क्योंकि सर अब रिजल्ट आ चुका है और आज 27th अगस्त है. तो सर मुझे ऐसा लगता है कि आपने रोना धोना, मातम मनाना, जो भी करना था वो हो गया, गाली मारना अपने फैकल्टी को, ICSI को बुरा बोलना कि ICSI हमको पास नहीं करता, ये सारा प्रोग्राम आपने कर लिया होगा दो दिनों में. ठीक है सर, ऐसा कर लिया होगा ना. ठीक है ना, कि ICSI तो नालायक है, वो हमको पास ही नहीं करता, और हमारे फैकल्टी बहुत ही घटिया थे जिनसे हमने पढ़ाई की, उनके वजह से हम फेल हुए एंड वॉट एवर. मतलब गलती आपकी थी नहीं है ये बात तो तय है, पर गलती दुनिया भर की थी, तो ये आपने पूरा ब्लेम गेम कर लिया होगा. अब सर काम पे आते हैं, आज से ही आप लोग एग्जीक्यूटिव ग्रुप वन की पढ़ाई शुरू कर देंगे. राइट, अब सर दो तीन क्वेश्चन होंगे लोगों के मन में. वो क्वेश्चन क्या होंगे, सबसे पहला कई लोगों ने प्लान किया होगा सर कि मैं ग्रुप वन दूंगा जून में, जून 17, फिर अगस्त में पास हो जाएंगे और दिसंबर में देंगे ग्रुप टू. अब सर प्रॉब्लम ये हुआ होगा जिनका पास हो गया होगा उनको तो मैंने बधाई दे दी, अब सर उन्होंने ग्रुप वन पहले पास कर लिया, अब ग्रुप टू देंगे और वो आगे जाएंगे. सर व्हाट अबाउट यू, मतलब अगर आप ग्रुप वन दिए होंगे तो अब आप ग्रुप वन दिसंबर तो देंगे ही देंगे क्योंकि आपका शायद पास नहीं हुआ है. विल यू ऑल्सो गिव बुक ग्रुप टू ऑल्सो, अगर आप ग्रुप वन ही पास नहीं कर पाए तो आप बोथ ग्रुप पास कर सकते हैं क्या, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा. क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर टू, सर अगर ऐसा होगा तो फिर मैं पढ़ाई कैसे करूँ, क्वेश्चन नंबर टू. और सर मैं ग्रुप बोथ ग्रुप दूँ अब कि एक ही ग्रुप दूँ, सर इसके आंसर्स आपके पास ही है, मैं आपको सिर्फ हेल्प करूंगा आंसर निकालने में. मैं आपको आंसर दे सकता नहीं क्योंकि सर मेरे पास यहाँ पे कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स है जो देख रहे हैं मुझे, उसमें से करीब करीब 4-5,000 बच्चे एग्जीक्यूटिव वाले होंगे, जिसमें सर हर बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक, हर बच्चे के फीचर्स अलग अलग होंगे, तो मैं जो बोलने वाला हूँ वो शायद हर बच्चे को सेम टू सेम अप्लीकेबल नहीं हो सकता, तो इंडिविजुअली आपको अप्लीकेबल होगा, बट हाँ मैं जो बोलने वाला वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहेगा, तो ये आपको अप्लीकेबल होगा. राइट, तो पहला पॉइंट कि क्या मैं बोथ ग्रुप दूँ कि सर मैं ग्रुप वन ही कंटिन्यू करूं कि सर मेरा ग्रुप वन नहीं निकला है, ये आप सोच सकते हो, या वाइस वर्सा जिनका ग्रुप टू हो गया या ग्रुप टू देने वाले हैं वो कैसे करेंगे. तो अगर आपको बोथ ग्रुप देना है तो क्या करना है और एक ग्रुप देना है तो क्या करना है, मैं आपको दोनों बताऊंगा एग्जीक्यूटिव. और यही चीज रूल अप्लीकेबल हो सकता है सीएस प्रोफेशनल वालों को भी, क्योंकि प्रोफेशनल में भी ऐसे ही है, तीन ग्रुप्स हैं, तीन तीन पेपर के 9 पेपर, हो सकता है आपके एक ग्रुप पास हो गया हो और दो ग्रुप देना है आपने तो क्या करेंगे, या दो ग्रुप दिए थे एक ग्रुप पास हो गया तो अब आप दो दे कि एक दे, मतलब कैसा करना है. सर कंसेप्ट दोनों के लिए एक ही रहेगा, फिर वो आप एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल हो. ठीक है सर, तो शुरू करते हैं. ब्लेम गेम खत्म हो चुका होगा मेरा ऐसा मानना, मैंने पहले ही बोला, तो आप सर पूरा शिद्दत से वीडियो सुनेंगे एंड तक के, बंद मत करना क्योंकि सर आपके लिए बहुत अच्छी टिप है. और आज 27th अगस्त है, आज से 4 महीने, 27 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 27 दिसंबर के आसपास आपके एग्जाम हो चुके रहेंगे, सिर्फ 4 महीने सर, उसमें सर दिवाली, दशहरा, गणपति चल ही रहा है, त्यौहार बहुत आते सर, फिर कुछ लोग शादी भी करते सर इसी समय, नवंबर दिसंबर में शादी भी सबको करनी होती है, मतलब दुनिया भर का सारा प्रॉब्लम इसी समय आता है. तो आपको त्यौहार भी मनाने हैं, दशहरा भी मनाना है, दिवाली भी मनानी है, नवरात्रि भी आएगी तो गरबा भी करना है, डांडिया भी करना है, गणपति है तो सर बैठाना भी है, विसर्जन भी करना है, महालक्ष्मी देवी भी आने वाली है, दुर्गा माता भी आने वाली है, सारे भगवान अभी आते हैं, साथ साथ शादियाँ भी होती है, सारे लोगों को शादी करने की पड़ी अभी रहती ठंडी के मौसम में, तो आपके रिश्तेदार शादी अभी करेंगे, और शादी करेंगे तो वो तो करेंगे करेंगे, आपको बुलाएंगे शादी में जाओ करके, और आपके दिमाग में दुविधा है कि सर मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाओ कि नहीं जाऊं, बिल्कुल जाओ, इफ समवन से इसके मत जाओ तो सर ये बेवकूफ बना रहे, जाओ, पर सर वो तब जाना जब आप 4 महीने प्लान कर लो प्रॉपरली पढ़ाई का. हाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, नवंबर में सर आपकी पढ़ाई हुई नहीं है और फिर आप बोलो शादी में जाऊंगा, तो शादी कर लो फिर जाओ,
सीएस छोड़ दो। तो सर प्लीज अंडरस्टैंड, यू शुड एंजॉय योर फेस्टिवल्स। सर हर चीज का अपना महत्व है, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। प्लीज हर चीज का महत्व है, उसको करिए, बट टाइम दीजिए। बट टाइम भी सर ऐसे नहीं कि पांच पांच दिन दिवाली मनाई रहे, ये गणपति बिठाएंगे तो उसको भगवान को छोड़ के आएंगे विसर्जन तक के, इतना 10 दिन वेस्ट मत करिए। सर भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, अच्छी बात है, लेकिन सर उसको टाइम दीजिए और अकॉर्डिंगली पढ़ाई भी मैनेज करिए। अगर आप 4 महीने प्रॉपर प्लान करेंगे तो मैं आपको बोलता हूँ कि सारे त्यौहार, सारे फेस्टिवल, सारे संस्कृति हमारी सब मेंटेन करिए, सब फॉलो करिए, फैमिली फंक्शंस में जाइए, सब कुछ करिए सर, लाइफ भी एंजॉय करना जरूरी है। बट सर तब जब आप प्लानिंग करो, तो सर प्लानिंग कैसे होगी ये सर आप हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं जो भी बोलने वाला हूँ ये हर बच्चे को सेम टू सेम अप्लीकेबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कुछ अजम्पशंस लिए उसके बेसिस पे मैं ये बात करने वाला हूँ, राइट। तो शुरू करते हैं टॉपिक और लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। सो फटाफट देखते हैं आज का तारीख क्या बताई मैंने आपको, 27 अगस्त 2017, ठीक है, टुडे इज संडे। और आप लोगों को एग्जाम मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 4 महीने मतलब 27 दिसंबर 2017 तक के एग्जाम्स क्या हो जाएंगी, ओवर हो जाएगी। तो आपके पास पूरा पूरा कितना महीना, ऑलमोस्टली 4 महीना है, ठीक है। अब सर वेदर वी शुड गो फॉर बोथ ग्रुप और वन ग्रुप, मैं बात करता हूँ सर एग्जीक्यूटिव के वो वाले बच्चों की जिन्होंने सर ग्रुप वन दिया था जून में, एंड उनका प्लान ऐसा था कि सर जून में ग्रुप वन देंगे, दिसंबर में ग्रुप टू देंगे, पर सर वो हो गया फेल क्योंकि आपका प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि आपका एग्जीक्यूटिव में रिजल्ट नहीं आया। अब सर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है वेदर वी शुड गो फॉर दिसंबर बोथ ग्रुप और नॉट, बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर आप अपने मार्कशीट देखिएगा, अच्छा मैं बताता हूँ, आप सब लोग यकीन करेंगे इस बात को, मेजरली आपके 4 पेपर थे, कंपनी लॉ, टैक्स, ECL एंड कॉस्ट। मेजर बच्चों को कंपनी लॉ में 40 से कम आए होंगे, मेजर बच्चों को टैक्स में 50+ और कॉस्ट में भी 50+ आए होंगे, और ECL में भी करीब करीब 45 से 50 आए होंगे, ठीक है, कहीं तो भी। यस और नो, अगर यस और नो, अगर नो बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट में डालना, बट मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कंपनी लॉ में कम आए होंगे, ECL में भी कम आए होंगे, टैक्स कॉस्ट में 50+ हुए होंगे। इसकी 2-3 वजह होती है। पहली वजह यह है सर कि आप MCQ पेपर सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो, बट जहां बात आती है सर राइटिंग की, आप थोड़ा सा मुश्किल में आ जाते हो, ये बात प्रॉब्लम हो रही होंगी। तो आपको पहले फोकस कहां करना है, MCQ में, तो आपको सर ठीक है, क्योंकि क्या होता है, मैं बताया था, मेरे एक वीडियो भी डाला हुआ था हाउ टू क्रैक MCQ पेपर्स। सर MCQ में सर ऐसा होता है नॉर्मली कि तुक्का लगा के भी, खैर तुक्का तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन तुक्का भी लगाकर, या कई बार तो सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन देख के उसके 4 ऑप्शन देखने के बाद कहीं ना कहीं हिंट आ जाता है, अच्छा अच्छा इसका तो आंसर यही है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख के भी आंसर की हिंट मिल जाती है MCQ में, तो थोड़ा बहुत MCQ ईजी पड़ता है, मेरी बात मानिए। इससे सर मेजर बच्चों को जिनके कंपनी में भी 25 आए होंगे, उनको कॉस्ट टैक्स में सर 45-50 आए होंगे, ये बात फैक्ट है। मैंने बहुत लोगों की मार्कशीट देखी है सर, तभी मैं 2 दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज यही था सर कि एक तो आज संडे है, आप सब लोग देखिएगा ऑफिस से इसके बाद, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मैंने 2 दिन स्टडी करने के बाद ही कुछ बोला है, ऐसे मैं रैंडमली आंसर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड MCQ में आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन राइटिंग क्यों नहीं आ रही, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं या तो कंसेप्ट में प्रॉब्लम है आपका, या तो आपको लिखना नहीं आता, 2 चीज़ों में मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है ना। तो एक रीज़न ये हो सकता है, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा और आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, केस लॉज वगैरह राइट करना। मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पे हाउ टू राइट केस लॉज, उसको जरूर देखिएगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको कंपनी लॉ में या किसी भी पेपर में, किसी भी पेपर में 30 से नीचे आ रहे हैं, अभी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको जैसे मान लो किसी बच्चे को, लेट से ए और बी, ये 2 लोग हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं कंपनी लॉ, ECL, टैक्स, कॉस्ट। मिस्टर ए को कंपनी लॉ में 37, 38, 45, 45 ऐसे आया है, और मिस्टर बी को 29, 32, 41, 37 ऐसे आया है। सर दोनों फेल हुए हैं, हाँ, बट सर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखना अच्छे से। पहले वाले बंदे को मुझे लगता नहीं कि कोई सर रिवीजन बैच की जरूरत है, आई डोंट थिंक कि किसी को रिवीजन बैच ये कुछ करने की जरूरत है। ऐसे बंदे को मैं बोथ ग्रुप करने की सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो मिस्टर ए का जो मार्क्स है, आप देखे ना मिस्टर ए का जो मार्क्स देखोगे आप यहाँ पे, उसको सर सारे सब्जेक्ट में सर कितने मिले हैं, 35-40 के बीच में मिले, मतलब उस बंदे को समझता सब कुछ है, शायद कुछ एफर्ट का फर्क रह गया होगा, इससे उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिले, अगले बार मिल जाएंगे। बट सर जो बाजू में बी साहब आप देख रहे हो, बी भाई साहब, उनको सर 29 मिल रहे हैं, 32 मिल रहे हैं, मतलब बहुत नीचे सर, बहुत नीचे, और बाकी में भी सर 41-37 मिले। सर ये भी फेल वाली, इसको मैं बोलूंगा कि ग्रुप वन ही फिर से दे,
और साथ में जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है उसकी कोई क्लासेस ले ले, मतलब रिवीजन ले ले, या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स होता ही है, जैसे मेरे कंपनी लॉ के लेक्चर्स होते हैं, या कोई भी आप ले सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ उनकी, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रहा लेक्चर लेने के लिए, मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक ये है सर कि अगर आपको लगता है कि आपके 25, 20, 29, 28 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं आपको, मतलब यू आर गेटिंग लेस देन 30, वो भी एक दो पेपर में, तो सर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट का प्रॉब्लम है, कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। बट सर जिस बंदे को 45, 40, 45, 40 सबको आए होंगे सर, ऐसे केस में सर आपका नॉर्मल नॉलेज अच्छा है, जैसे ए वाला बंदा जो है वो सर क्या है, उसको क्या है, उसको बोध ग्रुप देना पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सर उसका ग्रुप वन की पढ़ाई हो चुकी है, कुछ एफर्ट्स की कमी रह गई थी। अब वो सर इस बार एफर्ट देगा तो सर उसको हर पेपर में सर कितना हो सकते हैं, ये 37 मिलकर 42 हो सकते हैं, ठीक है, ये 38 बढ़ के 45 हो सकते हैं, ये 45 बढ़ के 52 हो सकते हैं, ये 55 हो सकते हैं, टोटल करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एग्जाम में पास हो जाएगा। और सर ऐसे में उसको सर चार सब्जेक्ट में रिवीजन मारना है, और सर बाकी तीन पेपर जो है ग्रुप टू के वो उसको पढ़ने, किसको, ए भाई साहब को। तो अगर आप में से भी कई लोग ए कैटेगरी में बैठते हैं, कौन से लोग सर, वो लोग जिन्होंने सर हर पेपर में फेल तो हुए, ये बात तय है, क्योंकि सर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप सुन रहे होंगे, अगर मेरे वीडियो तो आप फेल हुए हो, अगर आप पास हुए हो तो उन्होंने तो मेरा वीडियो पहले बंद कर दिया होगा कि सर हमारे को अप्लीकेबल नहीं है, उन्होंने मेरे से बेस्ट विशेष लिए होंगे और वो वीडियो बंद हो गया। अब सर अगर आप वीडियो सुन रहे हैं मतलब आप एग्जीक्यूटिव में ग्रुप वन फेल हुए होंगे, तो सर कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन सर फेल कैसे हुआ ये मैटर करता है। अगर आप एवरेज में बाउंड्री में पास मतलब फेल हो गए तो सर आपका कंसेप्ट अच्छा है, आप होशियार स्टूडेंट हैं, आपको सब आता है, लेकिन सर कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स में कमी रह गई है, आपको वर्कआउट करना होगा उस एफर्ट्स पे, ये चार सब्जेक्ट की रिवीजन करनी होगी, और वो सेबी, अकाउंट्स और आईएलजीएल, वो तीन सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर सकते हो, मतलब आपको वो ग्रुप बोध ग्रुप देना अलाउड है। तो सर यहाँ पे कई लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा कि सर मैं फेल हुआ, बिकॉज आप फेल हुए इसलिए आप बोध ग्रुप ना दे, ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये समझो आप कि आप पहले किस लेवल से फेल हुए हो। पर सर किसी को अगर 15 मार्क्स, ये बी वाला जो भाई साहब है, 15, 25, 32, 41 ऐसे सभी में घटिया घटिया मार्क्स है, तो सर आपके सब कंसेप्ट हिले हुए। अब आपको सर ये चारों सब्जेक्ट क्या करने होंगे, ग्रो कराने होंगे। इस चार के साथ साथ अगर आप तीन सब्जेक्ट और देंगे तो सर सात सब्जेक्ट का बर्डन आप झेल नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि टाइम कम है। नॉर्मली सात ग्रुप सात पेपर देना पॉसिबल है, पर सर वो तब जब आपके पास सात हाथ में 7-8 महीने हो। अभी सर रातों रात 3-4 महीने में आप पढ़ाई करेंगे तो कर तो सकते ही, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर थोड़ा हार्डशिप हो जाएगी। ऐसे में मुझे लगता है कि सर अपना पूरा जी जान आप किस पे दो, इन चार पेपर पे दो। जरूरत पड़े, जैसे एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर में 15 मार्क डाले, इफ़ यू रियली थिंक कि सर 15 मार्क में आपका बहुत ही कंसेप्ट हिला हुआ है, तो बेशक आप लेक्चर्स ले सकते हो, आपने जो जिस भी सिटी में आप रहते हो वहाँ पे कोई रिविजन बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। क्योंकि सर नॉर्मली कॉस्ट और ECL इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बट टैक्स में फर्क पड़ा है सर, आपको तो कोचिंग लेनी पड़ेगी अब, क्योंकि सर आपने जो एग्जाम दी थी दिसंबर जून में वो थी इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें था सर्विस टैक्स और वैट। अब सर आपको एग्जाम आएगी GST की, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और सर कंपनी लॉ में भी काफ़ी चेंजेस है, तो कंपनी लॉ और टैक्स का इनडायरेक्ट पोर्शन, ये आपको सर कोचिंग लेनी पड़ सकती है। कॉस्टिंग में सर कोई चेंज नहीं होता कभी, और ECL में भी कोई चेंज ऐसा नहीं हुआ है। तो सर ECL और कॉस्टिंग आप अपने घर पर पढ़ सकते हो, हाँ कंपनी लॉ और टैक्स में आप देख सकते हो, लेकिन फिर से वापस से जो ए कैटेगरी के लोग हैं उनको जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपने आप डिसीजन लीजिए, बट अगर आपको 35, 37, 42, 45 सब में आ रहे हैं तो यू आर गुड इनफ टू गो फॉर सेल्फ स्टडी। बट इफ यू आर रियली गेटिंग 15, 20, 22 लाइक दैट इन एनी अदर सब्जेक्ट, देन यू नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट यूर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, राइट। तो सर एक बहुत बड़ा सजेशन था मेरा कि क्या करना है। बाकी सर टेंशन मत लीजिए, मान लो अगर आपने अभी 3-4 दिन वेस्ट भी किए, लेट्स से इफ यू, वैसे तो पढ़ाई आपको आज से करनी है, बट फिर भी इफ यू स्टार्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर, तो सर आप सेप्टेम्बर से क्या करिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को मैं गिनता नहीं, क्योंकि उसमें तो सेल्फ रिविजन होना चाहिए। 20 तारीख को पहला पेपर आपका, तो मैं 20 के पहले ही रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो सिंपल बात करते हैं, तो यहाँ पे जो दिसंबर में 18 दिन मिलने वाले आपको, और अगर आप दे रहे हो चार पेपर तो समझ लो सर आपको हर पेपर को क्या देना है, 3 डेज ईच देना है, ये रिवीजन वन हो गई, मतलब वन नहीं, मैं बाद में बताऊंगा उसको, ठीक है ना। सेप्टेम्बर से शुरू करते हैं पहले, ठीक है। अगस्त में चलो भी मान लो 4 दिन आपने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, या फिर सोच लिया, प्लान कर लिया, अपने सीनियर से बात कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन सर ज़्यादा लोगों से बात मत करना। इफ़ यू फॉलो मी देन प्लीज फॉलो मी, बिकॉज अगर आप ज़्यादा लोगों को फॉलो करेंगे सर तो आपका डिसीजन खराब भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल अनबायस जजमेंट या डिसीजन दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। खैर, सेप्टेम्बर में 30 डेज है सर, एवरीवन नोज दिस, अक्टूबर 31 एंड नवंबर 30, ठीक है। तो आपके पास 90 डेज वो हो गए, और 18 ही है, मतलब 108 दिन हो गए।
इसमें सर मैं 18 वगैरह दिन हटा देता हूँ सर, दिवाली दशहरा वगैरह सब सब मिला के भी, फिर भी आपके पास 90 दिन अच्छे हैं पढ़ाई करने के सब कुछ, ठीक है ना। और सर आपको सितंबर में 30 दिन मिल रहे हैं, तो क्या करना है सर आपको, चार पेपर आपके, अगर मैं मजूम कर रहा हूँ आप ग्रुप वन दे रहे हो, सिर्फ ग्रुप वन दे रहे हो तो चार पेपर दे रहे हो, तो सर आपको क्या करना है, पहले 10 दिन कोई भी एक सब्जेक्ट सुबह शाम पढ़ के निपटा दो। आपको कम से कम एवरेजली 7-8 घंटा पढ़ना चाहिए एवरेजली, कुछ लोग 12-14 घंटे बोलते हैं, वो भी कर सकते हैं आप अगर आप करना चाहो तो, बट मुझे लगता है यू शुड गिव टाइम टू एवरीथिंग, एंजॉय कर सब कुछ करिए। 7 से 8 घंटा पढ़िए शिद्दत से, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नहीं, क्वांटिटी में सर अगर आप 15 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन सर ध्यान नहीं है आपका 15 घंटे तो मतलब नहीं है, उससे जैसा कम पढ़िए लेकिन पूरा शिद्दत से पढ़िए, तो 7-8 घंटे पढ़ लीजिए ऐसा मेरे को लगता है। 10-10 दिन में एक चैप्टर एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए पूरा, सुबह शाम बैठ के इट्स इनफ आई गेस। एक चैप्टर जैसे मैं कंपनी में पढ़ाता हूँ, अब सर इसमें कई सारे चैप्टर जैसे मीटिंग से डायरेक्टर्स है, इसको टाइम चाहिए, बट सर तेरा सो मेनी चैप्टर जैसे चार्जेस है, डेट कैपिटल है, मेंबरशिप है, डिपॉजिट्स है, तेरा सो मेनी चैप्टर्स विच आर इवन फॉर 1 आवर एक एक घंटे में रिविजन हो जाता है, 2 घंटे में 1 घंटे में। तो सर 10 दिन में एक सब्जेक्ट, ऐसे 10-10 दिन में आप क्या कर लीजिए 3-4 सब्जेक्ट पास कर लीजिए, मतलब 40 डेज में सर आपका क्या हो जाएगा, 1 रिविजन हो जाएगा 40 डेज में, मतलब अक्टूबर 10 अक्टूबर तक के आपके 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। सेप्टेम्बर 10 तक के पहला सब्जेक्ट, सेप्टेम्बर 20 दूसरा सब्जेक्ट, सेप्टेम्बर 30 तीसरा सब्जेक्ट, अक्टूबर 10 चौथा सब्जेक्ट, 10 अक्टूबर तक के आप चारों सब्जेक्ट की फुल पढ़ाई फुल रिविजन हो जाना चाहिए, ये आप दिमाग में रख लो। अब 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर जो 10 दिन है आपके 20 दिन सॉरी, इसमें सर आप क्या करिए, जो जो पढ़ाई आपने 10-10 दिन में की थी आप उसका सेकेंड रिविजन में 5 डेज में हो जाएगा, होना चाहिए जी हाँ होना चाहिए। तो सर यहाँ पर आपका सेकेंड रिविजन हो जाना चाहिए 30 अक्टूबर के पहले, ठीक है। अच्छा, 2 रिविजन होने के बाद आई विल प्रीफर यू कि आप पहले क्या करो, कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पता करो, या आपकी सिटी में अगर कोई टेस्ट सीरीज होगा तो वो टेस्ट सीरीज पता करो, टेस्ट सीरीज में टेस्ट देके देखो पहले, क्योंकि सबसे बड़ा पंगा क्या होता है, आप इस बात को जानते होंगे, यहाँ पे कई लोग बैठे होंगे आपने एमसीक्यू में पेपर पूरा सॉल्व किया होगा पर आपका कॉस्टिंग अकाउंट्स सॉरी कंपनी लॉ में आपका पेपर छूटा होगा, ये बात दिल बात रखिए, मुझे मत बताना अपने आप को सोचे देखो, और अगर लगता है तो नीचे बताना कमेंट करके कमेंट बॉक्स सेक्शन में कि सर आपका पेपर छूटा कि नहीं छूटा कंपनी लॉ का, 15 मार्क्स 20 मार्क्स छूटा होगा, क्यों छूटा होगा, क्योंकि सर कंपनी लॉ का पेपर केस लॉ बेस्ड आता है, आप उसे केस लॉ क्लास में पढ़ना उसको समझना एंड देन हाउ टू राइट इट ये सोचने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा, थोड़ा कुछ कुछ कॉमेडी बातें कर लेते हैं जो जरूरी है, मुझे बताइए पेपर देते हो आप, 180 मिनट का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है 180 मिनट्स एंड आपको पेपर सॉल्व करना है 100 मिनट का 100 मार्क का सॉरी। तो अब देख मुझे बताइए अगर आप पेपर दिसंबर में दे रहे हो जून में दे रहे हो, इफ आर गिविंग पेपर इन दिसंबर लेट से, अब ठंडी का मौसम है आप पेपर दे रहे हो सर, आप ह्यूमन टेंडेंसी है आपकी, अगर आप पेपर देंगे तो पेपर पता है क्या क्या होता है, आप सेंटर में गए बैठे पेपर पढ़ा उस पर 5-10 मिनट वेस्ट होते हैं, वेस्ट है इन्वेस्ट जो भी बोलो आप, बट आपका टाइम लगता है उस पर 5-10 मिनट्स का। उसके बाद सर आप जब पेपर लिखते हो तो सर उस पर आपको समझ में आते हैं लिखना कहाँ से शुरू करें, स्केल लगा रहे पेंसिल लगा रहे मार्जिन बना रहे, टाइम लगता है 15-20 मिनट चले गए इसमें, मजा आती है सर थोड़ी देर बाद। 1 घंटे के बाद ऐसा होता है कि सर कोई तो भी पूरे क्लास में किसी एक बंदे ने ये लिया सप्लीमेंट, पूरे क्लास में किसी एक बंदे ने सप्लीमेंट लिया, अब जैसे वो सप्लीमेंट उसने ली दिल की धक धक बढ़ गई, सप्लीमेंट दोस्त ने ली आप पीछे देखते हो सप्लीमेंट ली उसने, सप्लीमेंट उसने ली तो आप अपने पेज गिनते हो पहले फटाफट कितने बचे मेरे 4 पेज बचे, ये होता है कि नहीं होता है, दिल पे हाथ आके अपने आपको आंसर देना और नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो सर आप पहले तो देखते हो अपने पेपर कितने बचे, फिर आप अपने दोस्त को देखते हो, दोस्त को वो दोस्त बैठा वहाँ पे बता आप उसको इशारा करके क्या बता रहे हैं, ये फेंक रहा है, इसको आता नहीं ये फेंक रहा है, ये आप तसली दे रहे एक दूसरे को कि सर वो फेंक रहा है पीछे वाला बंदा जिसने सप्लीमेंट लिया है, तो सर कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब वो सप्लीमेंट वो ले रहा है वो अपना लिख रहा है बट आप उसको देख रहे हो अपना पेपर देख रहे हो बाजू वाले को देखते हो सबको देखते हो सब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अलावा गर्मी का मौसम अगर है या ठंडी का मौसम है तो ठंडी बहुत लगती है, ठंडी में गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत लगती है, फिर वहाँ पे क्लास के अंदर में पानी वाली दीदी आती है जो पानी लेके आती है क्लास में, पानी पियो, फिर अपन पानी बहुत पीते हैं, जितने बार पानी पीते उतने बार बाहर जाते हैं फिर वॉशरूम, तो पानी पीने में 4 ग्लास पानी 4 ग्लास तो यही काम करते रहो आप। अच्छा, अभी हो गया कॉमेडी, अब काम की बात समझो सर, इतने मजाक मजाक में हर बच्चा अपने से अपने क्लास का आधा घंटा वेस्ट करता है, पेपर 3 घंटे का है एंड यू आर वेस्टिंग 1/2 आवर फॉर दिस एक्टिविटी, यू ट्रस्ट मी ऐसा होता है सर, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और आप भी स्टूडेंट है मैं जानता हूँ, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक्सेप्शनल कैटेगरी के लोग होते हैं जो सर पेपर को ऐसे लिखते रहते हैं मुंह डाल के,
एक्सेप्शनल, बाकी सारे के सारे बच्चे 90% बच्चे ये जो मैंने हरकत बताई ना ये करते हैं। यानी सर आपके 30-35 मिनट्स तो चले गए सर, तो यू आर लेफ्ट विद 140 मिनट्स एंड यू नीड टू सॉल्व 100 मार्क का पेपर। सर ये सब इतना इसलिए बोला मैंने क्योंकि सर आपका पेपर छूटता है। यस यस छूटता है सर। सबके लिए साहब एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्लीज। इधर में आता है लेकिन सर लिखना नहीं आता, ये बात फैक्ट है, प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आई एम टीचिंग फ्रॉम पास्ट 10-11 ईयर्स, आई नो दैट कि ऐसा होता है। और मैं ऐसे खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ सर, ऐसे तो मैं कोई झाड़ से उतर के थोड़ी आया टीचर बन के। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू विद दैट फेज, आई नो वॉट पीपल एंड हाउ स्टूडेंट बिहेव इन द क्लास। इट्स साइकोलॉजी, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी दैट टेंड्स दैट पर्सन टू डू ऑल दिस थिंग। किसी बंदे की इच्छा नहीं होती सर ये सब करने की, लेकिन सर ये ह्यूमन टेंडेंसी है सर कि सर बाजू वाले को देखना, उसका आंसर क्या चल रहा है वो देखना, सब होता है सर। बाहर खिड़की से बाहर देख रहे हैं, ये सब होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। एंड आपको सर ये सब 3 घंटे में करना है, क्वेश्चन समझना भी है लिखना भी है। ऐसा केस में सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कंप्यूटर में, क्योंकि सर आपको लिंक लगनी चाहिए कि सर आप लिख क्या रहे हो। दीज आर ऑल पॉइंट्स विच वी हैव कवर्ड, आई हैव कवर्ड बिकॉज यस इट्स मैटर ऑफ कंसर्न, टू प्लीज अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सेकेंड रिविजन होने के बाद अक्टूबर एंड तक के मतलब यू नीड टू गो फॉर अ व्हाट इज अ टेस्ट सीरीज। आप एक टेस्ट सीरीज दीजिए जरूर। अब ऑनलाइन में भी सर csgardindia.com है, वहां से आप जाके दे सकते हो, या सर आप जिस शहर में रहते हो सर वहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है जो भी है। पर सर आपको भी करना पड़ेगा ये सर, आप 5 दिन के लिए करें 5 डेज के लिए, और 5 नवंबर के बाद फिर से शुरू क्या करते हो सर थर्ड रिविजन। अब सर 5-8 डेज भी हुआ तो भी मुझे लगता है कि 5 नवंबर to 20 नवंबर आपका थर्ड डिवीजन हो जाएगा। 21 नवंबर से 30 नवंबर आपकी बार सर फोर्थ रिवीजन 10 दिन में होना चाहिए। यस नो सर, पहली बार 10 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ाता है, फिर 5 दिन में सर आप 10 दिन में मिला के सर 2.5 से 3 दिन में सर एक चैप्टर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए आपको। अब करना क्या, पूरा पढ़ना है क्या अभी फोर्थ टाइम भी नहीं ना, आपको खट 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 कर देखना है डायरेक्टर सा। ओके डायरेक्टर में सर 4-5 तरीके होता है, फर्स्ट डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय जनरल मीटिंग होता है, बोर्ड मीटिंग होता है, स्मॉल शेड्यूल होता है, एनसीटी डायरेक्टर होता है, एजीएम है सर देरा एजीएम का सर पहली एजीएम होती है 9 महीने में विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दूसरी एजीएम होती है सर विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ 2 AGMs, गैप बिटवीन 2 मीटिंग शुड बी 15 मंथ्स, ये वो फटाफट देख लिया। पहले टाइम में आपको बहुत टाइम लगेगा सुनने में समझने में, लेकिन सर पॉइंट नंबर टाइम नंबर 2, 3, 4 यू विल रिड्यूस योर टाइम बिकॉज यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी नाउ। ऐसा करते करते आप पहुंच सकते हो 4th कैटेगरी में। और सर बस फिर 30 नवंबर भी सर आपका खत्म हो गया है, बचा सर दिसंबर के 18 दिन सर। आप इसमें सर अगर आप 3-3 डेज भी सर अगर आप पढ़ लेते हो 2-2 बार एक एक बार सर आपका 5th टाइम रिविजन हो जाएगा। 5th टाइम बता सर मजाक में इजीली यहाँ पे सर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है सुन लो फिर से मैंने क्या क्या बताया, ठीक है ये आपने फर्स्ट टाइम किया ये वाला, ठीक है फिर आपने सेकंड टाइम यहाँ किया, ठीक है फिर उसके बाद में आपने टेस्ट सीरीज दिया जो मैंने आपको बताया था, फिर सर आपने थर्ड टाइम यहाँ किया सर, ये थर्ड लिखा है मैंने, फिर सर आपने 21 से 30 नवंबर तक आपने 4th टाइम किया सर, और सर फिर आखिरी जो 18 दिन आपके बचे सर यहाँ पे आपने 3-3 दिन का टाइम दे दिया, 3-3 दिन ऐसे करके। और जो आपका पहला पेपर है 20 तारीख को, 20 दिसंबर को पहला पेपर जो भी आपका रहेगा शायद कॉस्ट या टैक्स रहेगा, ठीक है उसके पहले आप 3 दिन पहले टैक्स कॉस्ट पाना शुरू कर देना। मतलब 15 दिसंबर तक आपको पढ़ाई करनी, सही बताऊं तो 15 के बाद आपको सिर्फ 16 से लेकर 19 4 दिन में आपको टैक्स एंड कॉस्ट पढ़ना है। मतलब 15 तक के आपको सब कुछ पढ़ा खत्म कर देना है 15, क्योंकि सर इसके बाद कॉस्ट टैक्स ये आपको 2 पेपर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अगर आप फिर ग्रुप 2 दे रहे हो तो फिर सर आपको साथ में ये सब तो मैनेज करना ही, साथ में और टाइम निकालना तो कुछ भी नहीं करना सर। ग्रुप 2 वाले क्या करेंगे, ये जो मैंने 7 से 8 घंटा बोला स्टार्टिंग में इसमें सर आपको 6 घंटा और लेना है और आपको 12-13 घंटे पढ़ाई करनी है, जिसमें सर 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से सर आप 8 घंटे सोने में निकाल लो जो मैंने बताया था पहले भी शायद, ठीक है 16 घंटे बचे आपके, उसमें से अगर आप 4 घंटा भी वेस्ट करते तो भी सर आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप 2 को 6 घंटा, ग्रुप 1 को 6 घंटा ऐसे। तो जो भी यहाँ पे ग्रुप बोथ वाले हैं, बोथ वाले, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, बोथ वाले कौन से लोग थे याद है मैंने बताया था यहाँ पे आपको, ठीक है ये वाले लोग बोथ वाले कौन से लोग हैं, ये ए भाई साहब कैटेगरी के लोग। तो सर अगर आप ए वाले कैटेगरी में हो तो सर आपको 6-7 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने आपको यहाँ पे 6-7 घंटे बोले ये 7 घंटे बोले, ये सर नॉर्मली किसको बोले है? मैंने बी को बोला है, जिनके सर 15-20 मार्क्स आए हैं उनको सर 7-8 घंटे देना है, जिनके सर 35-40-50-50 मार्क्स आए हुए हैं फिर भी फेल हुए हैं सर वो थोड़ा टाइम कम कर रखे ग्रुप 2 को दे सकते हैं। तो सर आपका टोटल पढ़ाई का आवर्स रहेंगे 12 आवर्स, इसमें सर आप 2 ऑप्शन है देखो सुन लो फिर से, 12 आवर्स की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है ये आप कर रहे हो। अगर आप ए कैटेगरी वाले बंदे हो जिसके सर मार्क्स अच्छे थे तो सर आप क्या कर सकते हो, 5 घंटा ग्रुप 1 को और 7 घंटा
ग्रुप टू को, ऐसा करके आप 12 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। बट सर जो बी कैटेगरी वाले बच्चे थे, ये ए कैटेगरी वाले हो गए, जो बी कैटेगरी वाले बच्चे थे जिनका सर पार्ट ए मतलब ग्रुप वन ही सर अच्छा नहीं गया था, तो सर उनको तो पूरे 12 घंटे किसमें पढ़ाई करना है, ग्रुप वन की पूरे 12 घंटे, तो सर 12 घंटे पूरे हो जाएंगे, यानी 12 घंटे पढ़ाई करना ही है आपने। बट सर अगर आप बहुत वीक है तो सर आप एक ही ग्रुप दीजिए और पूरा शिद्दत से पढ़िए। अगर आप थोड़ा अच्छा मार्क्स आए थे ग्रुप वन में तो सर आप ग्रुप वन की पढ़ाई सर 5-6 घंटा करके 7-8 घंटे ग्रुप वन की पढ़ाई, टू की पढ़ाई करिए, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे हैं आप, उसमें सेबी है, अकाउंट्स है, ILGL है, तो सर उसके लिए आप सेबी अकाउंट्स के लिए आपने 6-7 घंटा निकाल लिया और सर 5 घंटा सर आपने टैक्स कॉस्ट के निकाल लिया, क्योंकि सर आपका अच्छे से हुआ हुआ है, डन। तो सर आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, इफ़ यू फॉलो दिस टिप्स आई गेस इजीली पास हो जाए, पास हो जाएगा। प्लस 2-3 बातें सर, आपको 5 रिवीजन, अगर आप भी मैं आपको बताऊँ फाइनल वर्जन, आपको कम से कम 5 रिवीजन करना है। दूसरा सर टेस्ट सीरीज मस्ट है, टेस्ट सीरीज मस्ट है, ये मस्ट है सर, कुछ भी हो जाए ये मस्ट है। अब आप कैसे भी करिए, ऑनलाइन करिए, अपने सिटी में जहाँ रहते हैं वहाँ जाके करिए, पता करिए आपकी फैकल्टीज देती है कि नहीं लेती, नहीं लेती सर तो आप ऑनलाइन बिल्कुल जा सकते हो csgard.com करके, वहाँ ले सकते हो। बट सर आपको लेना, अच्छा किसी को चाहिए टेस्ट सीरीज तो मेरे भी वेबसाइट में आ सकते हैं, cstusharpahade.com, ये नीचे में भी फ्लैश हो रहा है आप देख सकते हो, नीचे भी एक लाइन फ्लैश होती रहती है, तो सर वहाँ पे भी सर आप जाके पता कर सकते हो सर कि tusharpahade.com पे जाइए, वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। बट सर लेना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा सर, ये बात तो कंपल्शन है सर कि आपको करना तो पड़ेगा। विदाउट टेस्ट सीरीज सर आप एग्जाम में जाना मत, ये बात तय है, क्योंकि सर आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक सर आप कर नहीं पाएंगे, ये बात तय है सर, ये मैंने प्रूवन है, देखा भी हुआ है। तो प्लीज़ डोंट टेक रिस्क, आप सर यहाँ पे 50-50 हज़ार रुपये लेके क्लासेस पढ़ते हो तो सर 500-1000 रुपये का सर अगर आप टेस्ट सीरीज देते और तो नुकसान नहीं है। इट विल एनहांस योर नॉलेज, नॉलेज इट विल पॉलिश योर नॉलेज, इट विल टेस्ट योर नॉलेज, इट विल बी लाइक अ ग्रेडिंग, आपको सर अपनी रैंकिंग मालूम पड़ता है कि आप कितने पानी में हो। इफ नीडेड यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ टेस्ट सीरीज इन डिसंबर मिड, एग्जाम के पहले भी सर 10 तारीख के आसपास एक और बार देख सकते हो, बट सर करना जरूरी है। रही बात से कुछ लोगों का क्वेश्चन, सर मुझे कई क्वेश्चन है 2 दिनों में कि सर शुड वी गो फॉर लेक्चर्स, मतलब रिविजन करे क्या, मैं फिर से बता रहा हूँ, ए कैटेगरी बी कैटेगरी, अगेन आई विल कम टू दिस एग्जाम्पल, ये वाला ए एंड बी, अगर आपकी कंपनी लॉ में, आई विल टेक अबाउट माई सब्जेक्ट जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको कंपनी में बहुत कम है, मतलब लेट से 30-35 से नीचे है, तो सर आप समझ लेना सर कि आपका कंसेप्ट हिला हुआ है, क्योंकि सर अगर आपको किसी सब्जेक्ट में 50 आ रहे हैं कॉस्ट टैक्स में, बट सर अगर आपको कंपनी में 30-35 आ रहे हैं, मतलब आपका थोड़ा कंसेप्ट हिला हुआ है, तो आप बेशक सर कंपनी के लेक्चर्स देख सकते हो, वैसे सेम टैक्स के भी। आई डोंट थिंक कॉस्टिंग और ईसीएल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सर कॉस्टिंग ईसीएल दोनों चेंज नहीं होता है, टैक्स में सर जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि टैक्स में भी सर 30 मार्क का इनडायरेक्ट टैक्स बदला है पूरा, और एग्जाम में उसके चांसेस तो ऑब्वियसली है, जीएसटी पूरा आएगा आपसे, तो सर यू नीड टू गो फॉर द टैक्स रिविजन ऑल्सो, यू कैन फाइंड आउट द फैकल्टी हु टेक्स केयर ऑफ दैट जीएसटी पोर्शन, राइट। सो सर दीज आर द सम टिप्स विच आर यूजफुल आई गेस फॉर यू, तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो मैंने आपको बताया सब कुछ, ठीक है। ये वापस एक बार देख लीजिए मैंने क्या क्या बताया, 27 अगस्त आज का तारीख, 4 महीने में आपको कोर्स खत्म करना है, ठीक है। कैसे करना है सर फिर से बता देता हूँ, 2 टाइप के बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे, इट मे वेरी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक और बात सुन लो बहुत बड़ी बात, हो सकता है ए बंदा ऐसा है जो सर बोथ ग्रुप पास ना कर पाए, और हो सकता है सर जो बी कैटेगरी वाला बंदा जिसको मैंने बोथ ग्रुप के लिए मना किया है, हो सकता है सर उसके पर्सनल वजह से सर वो शायद इस बार कम मार्क्स लाया होगा, हो सकता है वो एकेडमिक बच्चा है, अच्छा बच्चा है, हो सकता है, मैं किसी बंदे की कैरेक्टरिस्टिक पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग होनहार ले, सब लोग अच्छे पढ़ने में, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप पढ़ने में अच्छे होते नहीं तो आप सीएस में होते ही नहीं। आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, आर दे डूइंग सीएसएस, नो, बिकॉज डरते हैं वो सीएसएस से, आप डरते नहीं सर, आप तभी सीएसएस कर रहे हैं, तो सर आप घटिया लेवल के नहीं है, कुछ एफर्ट्स में कमी हो रही है, ये बात आप मान लो, कुछ एफर्ट्स में कमी हो रही है आप मान लीजिए, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो बेशक आपका अच्छे से बोलते हैं ना वेटेज और मार्क्स बढ़ सकता है। तो सर आई होप कि सर ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, इतनी बातें मैंने जो कवर कराई है इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको, एंड डेफिनेटली सर आप अच्छे मार्क्स लाकर सर दिसंबर में अपना भी नाम रोशन करेंगे, मुझे भी सर प्राउड करने का मौका देंगे, और आपके माँ बाप भी खुश होंगे सर अगर आप जल्दी जल्दी पास होते हैं तो, राइट। तो कोई डाउट्स है अगर सर आपको किसी बात को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करिएगा, और सर मुझसे बात भी कर सकते हैं इस नंबर पे जो नीचे मैं आपको फ्लैश हो रहा है। तो जाते जाते एक बात बोलूँगा, जो एक शेर है वो शेर बोलूँगा और फिर अपना लेक्चर ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो वो शेर ऐसा है कि अर्ज़ किया है, ज़िंदगी की असली उड़ा अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ा अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ा अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है,
अभी तो हासिल की है मुट्ठी भर सफलता आपने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। तो सर जो लोग फेल हुए हैं, डोंट इवन पैनिक, अभी सर पूरा आसमां बाकी है, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी आपको टाइम देना है और आप आराम से पास हो सकते हैं, राइट। तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखिएगा और बिल्कुल पढ़ाई पे जुट जाइए आज से। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।